आम सहित आज अच्छा बवेंटर बाबा जे सोशल मीडिया खूब भाइराल हूँ इंदौर रु अयोध्या यात्रा कर हिंदू देवादेवी को जो भाई भाव विभिन्न कंपनी मैंने अपमान कर माचिस कथा हो डीएसएल कथा हो विभिन्न गुटका तमाखुरे हिंदू देवादेवी मान फोटो रखी जो भाव अपमान करा विरुद्ध से गोटे संग्राम जारी रखिंट तांकर ए 13 दिन यात्रा भितर से 3 दिन हम ओडिशा रे अछंती भुवनेश्वर रे एवं भुवनेश्वर रे मध्ये किछि कंपनी रो एमिती हिंदू देवादेवी विरुद्ध रे जो प्रकार तांका फोटो लगे जहाँ करा जाइछि ता विरुद्ध रे से स्वर उठैछंती तांकर आमे प्रतिक्रिया नवा। आपका नाम क्या? जय श्री राम। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से मैं बवंडर बाबा भारत यात्रा पे हूँ। 1,00,000 किलोमीटर 3 साल की यात्रा के दो उपदेश। प्रथम, आप सब उड़ीसा जगन उड़ीसा भारत और विश्व के प्रभु प्रेमी अयोध्या जी आमंत्रित मकर संक्रांति 2024 को प्रभु प्रवेश करें तो आप साक्षी बने और इसका द्वितीय उपदेश है भारत देश के अंदर प्रतिदिन। पहले बताइए ये जो बवंडर बाबा ऐसा नाम क्यों? मैं बवंडर बाबा नाम क्यों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी यात्रा का उपदेश रख दूँ, द्वितीय उपदेश बता दूँ आपको। यात्रा का द्वितीय उपदेश है भारत देश में एवरीडे 29 स्टेट में अखबार न्यूज़पेपर छपते और अखबार की एक दिन की जिंदगी होती है, वन डे की, और नेक्स्ट डे वो रद्दी के रूप में देश में हमारे बीच आते और हम उसको अनेक प्रकार से रद्दी से यूज़ करके डस्टबिन कचरा पेटी में फेंकते। उसमें हिंदू देवी देवता के फोटो है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, सब जगह सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। मैं उड़ीसा में आया तो मैंने दुर्गा छाप गुड़ाकू देखा है। दुर्गा छाप गुड़ाकू पर मेरा उड़ीसा की धर्म प्रेमी जनता से और सरकार से प्रश्न है, आप ये दुर्गा छाप गुड़ाकू पे भगवान के फोटो की क्या जरूरत है जो कचरा पेटी में जाना है। मेरा उड़ीसा के धर्म प्रेमी से अनुरोध अपील है कि ये सिंदूर है 5 रुपए का, आप इसको खरीदते हो और इन्हीं जगन्नाथ भगवान की आप पूजा कर रहे हो और आप इन्हीं के फोटो को कचरे में फेंक रहे हो, ये सरकार और व्यापारी की गलती है तो इसको बंद किया जाए। ये यात्रा के दो मूल उपदेश है और ये यात्रा में मैं जो ये यात्रा कर रहा हूँ तो मैं सतत यात्रा पे हूँ। आज 22 महीने 13 दिन में 66,250 किलोमीटर करते हुए यहाँ आया हूँ। तो ये यात्रा में मुझे एक कथा में रुका था, तो कन्या माता ने बवंडर बाबा नाम रख दिया था कि बाबा आप बहुत घूमते हो, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा आप नॉन स्टॉप करके आए, तो कन्या माता ने मेरा नाम बवंडर रखा था। तो ये नाम जब से बवंडर मेरा नाम है। श्री अयोध्या जी आमंत्रण दूत विनोद सनातनी, सोशल मीडिया पर बवंडर बाबा। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मेरा है सनातन धर्म का अपमान क्यों, जाने अनजाने सनातन धर्म का अपमान क्यों। मेरा लक्ष्य है कि सनातन धर्म का अपमान है ये भारत में नहीं होना चाहिए। 5/12/2023 को ये यात्रा 1,00,000 किलोमीटर करके अयोध्या जी में पूर्ण होगी। वहाँ से जिस जिनने भी सरकार ने व्यापारी ने इसको बंद किया तो उन सबको धन्यवाद है मेरा, अन्यथा ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का अंदर ये अपनी अंतिम सांस तक मैं इसके लिए लड़ता रहूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य होगा। आपका हिसाब से क्या कार्रवाई होना चाहिए ये जो इलीगल जो भगवान को जो अपमान करते हैं? मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं आप पत्रकार है पत्रकारिता के नाते मैं आपसे पूछना हूँ, मैं तो सरासर विरोध कर रहा हूँ, ये बंद होना चाहिए। आप बताइए बंद होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। मैं तो विरोध कर रहा हूँ बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। मैं भी आपसे प्रश्न कर सकता हूँ, मेरा भी अधिकार है। आप बताइए बंद होना चाहिए कि नहीं, वो तो जनता बताए। नहीं, जनता में आप भी आते हैं, आप जनता से बाहर थोड़ी है। जनता आप जनता के नाते बोल दीजिए, पत्रकार के नाते ना बोले। आप हाँ या ना तो बोले, एक बार आप भी बोले बंद होना चाहिए। हाँ, यही तो, ये बंद होना चाहिए और हम सबकी इच्छा है। एक जनता के नाते भाई आप पत्रकारिता 2 मिनट छोड़ दो, मैं भी ये बाबा का सब छोड़ दो 2 मिनट के लिए। मानवता के नाते, ये इंसानियत के नाते, ये किसी की धर्म की आस्था है, ये सिर्फ चित्र से प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट आप बेचो, आपके बच्चों के, आपके परिवार के फोटो लगाओ और खूब प्रोडक्ट बेचो आप। प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है चित्र की आस्था के चित्र से। ये बंद किया जाए, यात्रा के दो मूल उपदेश है। कितना सफल होगा? पूर्ण रूप से सफल होगा, सफलता दिखने लगी है भारत में। जो पूरी सनातन धर्म में पूरी दुनिया की जो राजधानी हो, तीनों लोकों की राजधानी अयोध्या जी, अयोध्या जी से मेन हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी महाराज, कालीचरण महाराज, यति नरसिंह आनंद जी, कई शंकराचार्य और अनेक हिंदू संगठन इससे जुड़ चुके हैं और जनता जुड़ चुकी है। अगर बंद नहीं होगा तो आप खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? खुद मैं तो सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। जो शुणुले जे बाबा जमी कहते जदि आगामी दिन में कौन से प्रकार कार्यानुष्ठान सरकार पक्ष कंपनी मानक न निया जाए
ताहले से सुप्रीम कोर्टर आश्रय नेबे एवं जीवन थिबा पर्यंत से ता विरुद्ध लड़बे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अजित भारत विनोद नायक नुमंटी।